हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल BSU। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जबल जेस और जबल हेफ करके है एक जगह और बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे और ये है अलेन बॉर्डर, लाइक ओमान बॉर्डर पे है। अलेन के रास्ते से आप दुबई से अगर जाएंगे तो अलेन होते हुए अबू धाबी की तरफ है, लाइक बॉर्डर पे है। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा घर भी था और रास्ते में, और अभी देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल वेदर है। आगे आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। और आप, हमारे व्लॉग थोड़ा लंबा है पर ज़रूर देखिए फुल। अगर आपको दुबई में भी लाइक हिल स्टेशंस वगैरह देखने पसंद है, ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है दुबई में तो आप जाइए, इन्जॉय करिए और बहुत मज़ा आने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए इस व्लॉग में। और दोनों साइड देख सकते हैं डेजर्ट है और हम जा रहे हैं बस यहाँ से, लाइक दुबई से लेके वहाँ तक शायद 150-160 किलोमीटर है टोटल। सो आप 1 आवर 1 एंड पहुँच जाएंगे और स्पीड लिमिट भी काफ़ी अच्छी है जो वहाँ पर हाईवे है। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे, और बीच बीच में आप लोगों को म्यूज़िक के साथ इन्जॉय करिए। और देख सकते हैं क्लाउड्स, क्लाउड्स एकदम हमारे, लाइक लग रहा है कि हमारे सामने ही क्लाउड्स हैं। और रास्ते में अगर रेन मिलती है तो वो भी आपको दिखाएंगे आगे। तो देखिए दोस्तों, बारिश भी आ चुकी है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। और हम जा रहे हैं यहाँ गाने सुनते हुए गाड़ी में, और देख सकते हैं बहुत ही लाइक हैवी रेन हो चुकी है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा, बाहर बहुत दिख नहीं रहा है। तो इन्जॉय करिए आप भी हमारे साथ। और ऊपर जो जाएंगे हम, जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है जबल जेफ, तो वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। रास्ते में बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे कि हम कैसा हमारा सफ़र चल रहा है और आप लोग कैसे आ सकते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं हैवी रेन हो रही है, बस अभी हल्की हुई है थोड़ी रेन। तो यहाँ पर ऐसा है कि बीच बीच में आपको देखने को देखो, जैसे कि आपको बहुत हैवी रेन मिली, अभी यहाँ पर बिल्कुल लाइट हो गई है रेन, और अभी आगे शायद ख़त्म ही हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे, जब तक एंजॉय करिए विद राइड हमारे साथ, विद म्यूजिक के साथ। Thank you.
तो देख सकते हैं, अभी हम कुछ दूर पहुंचने के बाद अभी बीच में हमें रेन भी मिल गई थी। अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं इतने अच्छे क्लाउड्स हैं, और ये जो रोड भी है अलेन वाला रोड दुबई अबू धाबी के तरफ जाता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है और स्पीड लिमिट भी मतलब 140 है इसकी, ठीक है। तो इन्जॉय करिए विद म्यूजिक के साथ। हम आपको एंड में पूरा ब्लॉग, लाइक एंड में नहीं, जस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा टाइम और है, लाइक थोड़ा सा अभी और दूर है, लाइक हाफ हमने रास्ता कवर कर लिया है, और अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। और जो दोनों साइड है आप देख सकते हैं डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट वाला एरिया है। तो दोस्तों इसमें ना ये जो ब्लॉग है थोड़ा सा लंबा ब्लॉग है, बट हमने आपको डिटेल्ड ब्लॉग दिखाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पूरा एकदम डिटेल व्यू मिल सके, ठीक है। और देख सकते हैं क्लाउड्स एंड लाइक हाईवे, लाइक स्टेट हाईवे, लाइक थोड़ा बहुत इधर उधर है रास्ता, बट एकदम स्टेट है। और इन्जॉय कर रहे हैं हम म्यूज़िक के साथ, हम अपनी गाड़ी में, और आप लोग इन्जॉय करिए विद म्यूज़िक के साथ बाहर। और ये देख सकते हैं ये कोई शायद वो जा रही है, तो अभी हम बस पहुंचते हैं वहाँ बीच में, अभी जस्ट पहाड़ों के पास पहुंचने वाले हैं। तो मिलते हैं आगे दोस्तों, जब तक इन्जॉय करिए विद म्यूज़िक के साथ, हमारे साथ बने रहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम रास्ते में जस्ट जा ही रहे हैं, आप लोग बने रहे हैं हमारे साथ। जस्ट अब हम लाइक एंट्री करने वाले हैं उस वाले एरिया में जहां पर हमें जाना है, जबल हफीफ करके एक जगह है, और वहां पर लाइक फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं हम। और हमने सुना है, लाइक इंटरनेट पे भी चेक किया है, लाइक वैस वहाँ पर थोड़ी ठंड भी है, क्योंकि दुबई एज़ कम्पेयर टू दुबई जहाँ पर अभी रहते हैं हम लोग, वहाँ पर उतनी ठंड नहीं है, बट वहाँ पर ठंड हो सकती है, लेट्स सी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और जस्ट अब देख सकते हैं आगे, शायद हमें दिख रहा है वो पहाड़, जो पहाड़ी पे जाना है, अभी जूम करके आपको ज़रूर दिखाते हैं। और जैसे ही बस हम एंट्री करने वाले हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अभी आप वेदर देखिए और प्लेस देखिए, आप लोगों को अगर यहाँ घूमने आना है तो ज़रूर आइए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस होने वाली है हमारी ट्रिप की, जो हमने दुबई में, ये देख सकते हैं आगे पहाड़ दिखा ना आपको, ऊपर ही जाना है हमें। और हमने ये भी सुना है जैसे कि अगर हम ऊपर जाते हैं तो जैसे आप फ्लाइट से देखते हैं ना नीचे का नज़ारा, कैसे छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं, उसी टाइप से ऊपर जाने के बाद इतना ऊँचाई पर है ये। तो अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको, मिलते हैं, जब तक एंजॉय करिए विद म्यूजिक के साथ।
तो दोस्तों देख सकते हैं जस्ट अभी हम पहुंचने ही वाले हैं और जस्ट फ्यू मिनट्स अवे। सो देख सकते हैं जो मतलब झिक झैक करके जो रास्ता है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए आपको आगे पहाड़ दिख रहे होंगे, दोनों साइड आपको रोड, ये वन वे रोड मतलब एक ही रोड है, उसमें ही एक साइड से जाना है एक साइड से आना है। सो अगर आप यहाँ पर बीच बीच में डिफरेंट प्लेस पे आपको आराम से फ़ोटो लाइक शूट के लिए फ़ोटो क्लिक के लिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाइए और फ़ोटो क्लिक्स करते जाइए जितनी मर्जी करनी है। फ्री पार्किंग है, कोई वो नहीं, टेंशन नहीं लेनी कि लाइक कितनी देर पार्क कर सकते हो आप। और बीच बीच जगह में आपको लाइक बीच में आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे, जैसे कि अभी पीछे देखा आपने एक पार्किंग थी वो चली गई। हम अभी आगे रुकते हैं और फिर वहाँ पर भी रुक के कुछ शॉर्ट्स वगैरह लेते हैं, तो मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट पार्किंग में हम रुक चुके हैं और अभी काफ़ी थोड़ा सा ही हम ऊपर चढ़े हैं और देखिए कितना ब्यूटीफुल लाइक लुक आ रहा है यहाँ से नीचे का व्यू। अभी बहुत ऊपर जाना है और ऊपर से क्या सीन आने वाला है, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें हमारे इस वीडियो में। थोड़ा सा लंबा है व्लॉग, बट आपको जो नज़ारे मिलेंगे ना वो दुबई में हमने नहीं देखा है ऐसा नज़ारा। तो अभी हम वापस से चलते हैं ऊपर और आप लोगों को नेक्स्ट कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस, सबसे ऊपर तक हमें जाना है। तो अभी हम बस चलते हैं, आप थोड़ा व्यू का एंजॉय करिए विद म्यूजिक के साथ।
तो देख सकते हैं, देखा अभी आपने, थोड़ा हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अभी भी ऐसे भी देख सकते हैं, अभी हम यहाँ फिर से रुके हैं और अभी थोड़ा ऊपर आ गए हैं, और तो नीचे देखिए हम कहाँ कहाँ से आए हैं, वो सारा जिग जैग आपको दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है नीचे यहाँ से। तो अभी हमें और ऊपर जाना है, ये देखिए दोबारा आपको दिखाते हैं, और लाइक क्लाउड हमारे लग रहा है सामने ही है, जस्ट लाइक क्लाउड हमारे सामने है। तो वापस से चलते हैं अभी ऊपर और फिर आपको दिखाते हैं आगे सबसे ऊपर। अभी तो हमें सबसे ऊपर जाना है, फिर वहाँ से जो आपको नज़ारा दिखेगा। तो अभी चलते हैं आगे और फिर मिलते हैं आपसे आगे। अभी हम जस्ट अब ऊपर पहुंचने वाले हैं, फिर से एक हमने ब्रेक लिया है और ये देखिए अभी और ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से नज़ारे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर। और अभी हम चलते हैं ऊपर धीरे धीरे और यहाँ से देखिए कैसा व्यू आ रहा है। ये जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा वहाँ पर है लास्ट पे, ये जो दिख रहा है ना, ये है सबसे ऊँची प्लेस। तो अभी चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर बहुत, यहाँ पर ऊपर भी जाने का ऑप्शन है, एक बार देखते हैं। लाइक सीढ़ी है यहाँ पर ऊपर, और हमें जो जाना है वहाँ पर जाना है, वो जो अभी हमने दिखाया था ना। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, और ये नीचे देखिए नीचे का नज़ारा दोस्तों, ओए होए होए होए, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। देखिए दोस्तों अभी हम वापस से चल चुके हैं और यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर आपको जूम करके भी दिखाया था हमने थोड़ा शॉर्ट। और अभी चलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, ऊपर सबसे ऊपर, जहाँ हमने अभी लास्ट टाइम जब भी हमने आपको दिखाया था कि हमें वहाँ पर जाना है। तो ये लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट हमारा स्टॉप था, अब चलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे फाइनल डेस्टिनेशन पे। Thank you.
जस्ट अभी हम फाइनल डेस्टिनेशन से पहले थोड़ा एक बार और रुक गए हैं क्योंकि हमें रास्ते में एक अच्छी चीज़ मिल गई। सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं और देख सकते हैं जीजू के साथ आए थे हम लोग, तो जीजू ने रिकॉर्ड कर दी हमारी वीडियो। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस लाइक है ये, पीछे बैकग्राउंड देखिए कितना ही ब्यूटीफुल है। अभी यहाँ पर एक बीच में प्लेस है, हमें लास्ट में जाना है, वहाँ पर दिख रहा है ना सामने। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे ही एक बार हम रुक गए, हमने सोचा कि एक बार रुक जाते हैं और यहाँ से देखिए, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब हम ऊपर जाएंगे तो नीचे जैसे फ्लाइट से आपको नज़र आता है ना वैसे ही आपको दिखेगा। तो देखिए हमने बीच में शूट नहीं किया और हम पहुँच चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे। और क्योंकि मेरे जो आईफोन है उसकी ना चार्जिंग कम थी, लो थी, तो उसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और तो ये मैंने किसी और फ़ोन से शूट किया है। तो ये देखिए यहाँ से होटल वगैरह दिख रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और यहाँ से आप आराम से, ये फाइनल डेस्टिनेशन है जो, ये यहाँ पर बहुत सारी पार्किंग है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आइए आप, फ्री में पार्किंग है और इन्जॉय करिए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर शायद कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो आपको एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा था ना अभी, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, शायद इसके ऊपर भी जाने का ऑप्शन कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाए, है ना। यहाँ पर वॉशरूम भी है सामने, पेट्रोल पंप भी है शायद सामने, और यहाँ पर आप अगर ऊपर आते तो पेट्रोल जबल हफीफ देख सकते हैं। और यहाँ पर आइए और इन्जॉय करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और अगर आप लोगों के पास गाड़ी नहीं तो मतलब कैब के थ्रू भी आ सकते हैं और इन्जॉय करें यहाँ पर। हमने तो बहुत इन्जॉय किए यहाँ पर देख सकते हैं। और जो वेदर है यहाँ पर, जैसा कि हमें लगा था कि यहाँ पर ठंड होगी, हवा भी काफ़ी चल रही है यहाँ पर, तो बहुत ही मज़ा किया हमने। और आप लोग भी देखिए अभी सनसेट होने वाला है और सनसेट यहाँ से दिखेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। ट्राई करते हैं, कुछ क्लाउड्स हैं, शायद सनसेट हमें ना दिख पाए, देख सकते हैं अभी जो सनसेट है क्लाउड के पीछे है सन, जो इवनिंग का टाइम है लाइक 5:30 होने वाले हैं, सो जस्ट सनसेट होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं लोग आए हैं यहाँ पर फैमिली के साथ, आराम से इंजॉय कर रहे हैं। और यह है मैप एरिया, जो यहाँ पर ये पूरा मैप के द्वारा या इसमें पूरा डिटेल में लिखा गया है कि कब और कैसे ये बना है, क्या क्या चीज़ें हैं। और तो ऐसी चीज़ तो हमने फर्स्ट टाइम देखी है दुबई में, लाइक हिल टाइप, हिल स्टेशन टाइप, लाइक ये तो पूरा पहाड़ है। तो देख सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं अगर आपको पढ़ना है क्या क्या लिखा हुआ है। सो हमने पूरा डिटेल में देख सकते हैं, ये दिखा दिया है आपको, पूरा अच्छे से दिख रहा है आपको FCB। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जबल बीफ। सो ये रहा, यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेनर लोग भी आते हैं क्योंकि दुबई है, दुबई से हर एक कंट्री से लोग यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड की लाइक बेस्ट प्लेस, मेरे हिसाब से तो बेस्ट प्लेस है एंड सेफ प्लेस भी है लोगों के लिए, यहाँ पर आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देख सकते हैं सनसेट हो ही गया क्योंकि क्लाउड के पीछे था सनसेट, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और देख सकते हैं आपको जस्ट हम आसपास की चीज़ें दिखा रहे हैं, सामने आपको कैट दिख रही होगी। यहाँ पर दुबई में आपने अगर जब भी आएंगे, अगर आप लोग दुबई में रहते हैं तो आपको पता होगा कि दुबई में आपको हर जगह कैट्स मिल जाएंगी, इतनी ऊंचाई पे भी कैट्स हैं, पता नहीं कहाँ से आई यहाँ पर। और हमारे एरिया में भी कैट्स हैं, मतलब हर जगह आपको दुबई में कैट्स मिल जाएंगी। तो अभी हम वहाँ से इंजॉय किया हमने पूरा और अभी चलते हैं वापस। सो वापस चलते हैं क्योंकि सनसेट भी हो चुके हैं और जस्ट नाइट होने ही वाली है आफ्टर सनसेट के बाद। तो अभी वापस चलते हैं और देखते हैं रास्ते में कहीं रुकना होगा तो ट्राई करेंगे रुकने का, वरना फिर हम सीधा घर चलते हैं। सो अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन से मिनट पे ये व्यू आपने पहले देखा था। और अभी हम वापस से आगे एक बार घूम के, क्योंकि
हम रुके हैं बीच में फिर से वापस से, तो अभी चलते हैं वापस नीचे एक बार वॉशरूम के लिए। और देख सकते हैं सनसेट जस्ट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, सनसेट हो ही रहा है, क्योंकि उस टाइम जब हम ऊपर थे तब तो बादल क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे, सनसेट दिख ही नहीं रहा। अभी हल्का सा दिख रहा है, सो हमने सोचा कि रुक के क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए, पर दिख ही नहीं रहा सनसेट। तो अभी चलते हैं वापस और मिलते हैं एंड में। फाइनली हमारा वीडियो हम एंड करते हैं। अभी लास्ट डेस्टिनेशन पे हम रुके थे, आते टाइम वापस हमने सोचा वॉशरूम वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, लाइक 1.5 आवर तो लग ही जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा रात में। सो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, 35 मिनट्स हो गए, बट अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर देखिए, और हम इसको तो स्प्लिट कर देंगे लाइक वीडियो में, आपको जो सा पार्ट अच्छा लगे वो देखिए डायरेक्ट वहाँ जाकर। और आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे कि हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। फ्रेंड देखिए पीछे का हाल, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये, अलेन के पास है।